हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। पास्ता वैसे सबको बहुत पसंद आता है और ये जो व्हाइट सॉस पास्ता होता है इसमें व्हाइट सॉस बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो चलिए आज हम मिलकर बनाते हैं ये व्हाइट सॉस पास्ता। पास्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले पास्ता को उबालना होगा, तो इसके लिए मैंने एक बर्तन में खूब सारा पानी लिया है। इस पर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा ऑयल। ऑयल इसलिए ताकि ये पास्ता हमारे चिपक ना जाए एक दूसरे के साथ। देखिए पानी बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तब मैंने इसमें ऐड किया है पास्ता। 1 कप मैंने लिया है फ्यूसिली पास्ता। आपके पास जो भी पास्ता अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इन पास्ता को हमें पूरा नहीं कुक करना है, लगभग 80% तक कुक करना है। और आपको कैसे पता चलेगा, हर एक पास्ता पैक के पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी रहती है कि आपको उसको कितना टाइम तक कुक करना है। मैंने इसको ऑलमोस्ट 8-10 मिनट्स के लिए कुक किया है और ये अभी 80% कुक हुआ है। इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, और अभी हम कुछ वेजिटेबल सौते करेंगे। तो मैंने इसके लिए पैन लिया है। पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप बटर भी ले सकते हो या फिर कोई दूसरा ऑयल भी ले सकते हो। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून गार्लिक। गार्लिक को जो पत्ता वाला गार्लिक आता है ना, मैंने उसका यूज़ किया है। आप चाहे तो नॉर्मल गार्लिक भी ले सकते हो। इसमें मैंने थोड़ा सा अनियन ऐड किया है और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और बाकी जो भी वेजिटेबल हम ऐड करेंगे, तो आपको कितना वेजिटेबल चाहिए आप उस हिसाब से ऐड कर लीजिए। मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारे वेजिटेबल ऐड किया है जो भी मेरे पास अवेलेबल था। जैसे कि थोड़ा सा कैप्सिकम लिया है, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा मटर है, थोड़ा सा कॉर्न लिया है मैंने। और इनको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे लाइक 1-2 मिनट तक। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा कुक किया हुआ वेजिटेबल पास्ता में अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा क्रंच रहता है वेजीज में, तभी वो वेजिटेबल पास्ता में अच्छा लगता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक एंड थोड़ा सा पेपर पाउडर और इसको एक अच्छा से मिक्स देंगे। और बस हमारे ये क्रंची वेजिटेबल हो गया है रेडी। अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। तो व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने एक पैन में लिया है 2 टेबलस्पून बटर, और बटर को पूरा मेल्ट होने से पहले ही हम इसमें डाल देंगे मैदा। मैंने 2.5 टेबलस्पून लिया है मैदा और इसको अच्छे से इसमें भून लेंगे। ध्यान रखिए फ्लेम आपका होना चाहिए बिल्कुल लो पर, और ये मैदा जो है ये जलना नहीं चाहिए, बस ये भून जाना चाहिए बहुत ही अच्छे तरह से। और ये देखिए कंटिन्यूसली चलाते हुए आपको इसको भूनना है, और थोड़ी देर में आप नोटिस करेंगे कि इसमें से बहुत ही अच्छा सा स्मेल आने लगेगा लाइक बटर और मैदा भून जाने का। और ये देखिए हमारे ये मैदा अच्छे से भून गया है, अच्छा स्मेल आने लगा है इसमें से। तब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। मैंने 1 कप मिल्क इसमें यहाँ पर ऐड किया है, और इसको देखिए एक हाथ से मिल्क मैं ऐड कर रही हूँ और एक हाथ से इसको मैं कंटिन्यूसली चला रही हूँ। ऐसा करने से इसमें लम्स बनने की चांसेस कम रहती है, बल्कि आप देखिए मेरा इसमें बिल्कुल लम्स नहीं बना है। और इसी तरह आप इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए इसमें एक बॉयल आने तक वेट कीजिए। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी का बना है। तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा और मिल्क लाइक ऑलमोस्ट 2 कप मिल्क, और 1 कप मिल्क मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। और इसको कंटिन्यूसली हम चलाते रहेंगे। ये देखिए अगर आपको कोई लम्स बनता है तो आप इसको इस तरह से प्रेस करते हुए इसको तोड़ते रहिए। और ये देखिए बिल्कुल एक क्रीमी सॉस हमारा बन गया है। तो इसको अभी हम थोड़ा सा सीजनिंग ऐड करेंगे इसमें। जैसे कि सबसे पहले ये जाएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि है नमक। तो मैंने ऐड किया है स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें ऐड करेंगे पेपर पाउडर। थोड़ा सा पेपर पाउडर यहाँ पर ऐड किया है। डाल रही हूँ मैं इसमें चिली फ्लेक्स, तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। चिली फ्लेक्स को मैंने 1 टीस्पून डाला है, और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ऐड किया है मिक्स्ड हर्ब्स, और इसको एक बार मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा ये सौते किया हुआ वेजिटेबल।
वेजिटेबल को भी इस सॉस के साथ हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा ये बॉयल किया हुआ पास्ता, जो कि तब 80% तक कुक था, तो और अभी जो 20% इसमें बचा हुआ है वो अभी ये कुक हो जाएगा। इसमें देखिए अच्छा से मिक्स कर देंगे और सॉस काफ़ी थिक हो गया है हमारा, काफ़ी थिक लग रहा है। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऐड किया है पास्ता बॉयल किया हुआ जो पानी है, मैंने वही पानी यहाँ पर यूज़ किया है और ऑलमोस्ट मैंने हाफ कप पानी यहाँ पर ऐड किया है। आप कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा किस तरह का चाहिए, उतना आप पानी इसमें ऐड कीजिए। और बस ये हमारा वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देखा इसको बनाना कितना इजी है। चलिए इसको हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ या फिर कोई भी चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हो, और चीज़ आप अपने पसंद के जितना ज़्यादा पसंद है आप उतना आप ऐड कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स से मैंने इसको गार्निश कर दिया है, और इसको आप एंजॉय कीजिए हॉट। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।